बात आई लो बजट कार्स की और हम लोग पीछे हट जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम बताने वाले हैं तुम्हें ऐसी ऐसी कार्स जो कि 5 लाख के अंदर, मैं बोलता हूँ 4 लाख के अंदर आती हैं एंड बहुत ही ऑसम कार्स हैं। अगर तुम लोगों का बजट 4 लाख का है और तुम लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हो तो इन कार्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये कार्स काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ भी आ जाती है एंड 4 लाख से 5 लाख से नीचे ही कार आने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सभी लोगों का देसी स्पार्क में एंड टॉप 5 ऐसी कार्स बताने वाला हूँ जो कि 5 लाख से अंदर आती हैं। सबसे पहली कार है हमारी मारुति अल्टो 800। अब हाँ, अल्टो 800 5 लाख के अंदर वाली कार के लिस्ट में ना आए ऐसा तो नामुमकिन है। अब मैं पहले तो बात कर देता हूँ इसके कुछ ई स्पेसिफिकेशंस की। 796 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, 31 किलोमीटर पर लीटर का सीएनजी के साथ हमें इसका माइलेज देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करूं तो वो भी हमें मैन्युअली देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल सीएनजी दोनों के साथ चलता है 796 सीसी का इंजन। और काफी ही बढ़िया ठीक ठाक कार हमें देखने को मिल जाती है लुक्स में भी ओवरऑल, और ये 3 लाख से 3.5 लाख से 5.5 लाख तक के प्राइस के बीच में आती है। अब यार अगर मारुति अल्टो 800 को खरीदना चाहते हो तो भाई इसके अलावा तुम और किसी ऑप्शंस को मत देखना, क्योंकि अगर तुम्हारा बजट 3.5 लाख का है और तुम 20 वेरिएंट लेना चाह रहे हो तो सिर्फ मारुति अल्टो 800 ही है जो तुम खरीद सकते हो, वरना सेकंड हैंड कार में चले जाओ। हम लोग सेकंड हैंड कार्स का बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम मोटर स्पार्क है। अब जो हमारी सेकंड नंबर की कार है वो है रेनॉल्ट क्विड। अब रेनॉल्ट क्विड बहुत ही तगड़े डिजाइन के साथ आती है, बहुत ही तगड़े स्पोर्टी लुक वाले डिजाइन के साथ आती है, और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो पेट्रोल के साथ ही आती है सिर्फ, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। 999 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, बूट स्पेस 279 लीटर्स का देखने को मिल जाता है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm की मिल जाती है। काफी तगड़ी देखने में कार लगती है। मैं तो कहता हूँ अगर लुक्स के लिए कार खरीदना चाहते हो 5 लाख के अंदर तो रेनॉल्ट क्विड से ज्यादा तगड़ा कोई भी कार नहीं हो सकती, इससे तगड़ी ऑप्शन कोई है ही नहीं 5 लाख के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारी कार है वो है मारुति अल्टो K10। हाँ, अल्टो K10 बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च करी थी उन्होंने, 5 सीटर हैचबैक कार बोल सकते हैं हम इसे, जो कि जिसका प्राइस है 3.99 से 5.94 लाख तक का। अब कुछ इसके की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में देखने को मिल जाती है, 998 सीसी का इंजन है एंड मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिल जाते हैं, 24 से लेके 33 किलोमीटर पर किलो का जो सीएनजी की माइलेज है वो देखने को मिल जाती है, और 24 से लेके 30 तक किलोमीटर पर लीटर की पेट्रोल के साथ माइलेज देखने को मिल जाती है। औसम है काफ़ी कार, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, बेसिक से लेके ठीक ठाक मीडियम लेवल तक के फीचर सारे देती है, टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है हमें इसके अंदर, तो काफ़ी बढ़िया मल्टीमीडिया भी देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट कार की बात करूँ तो है मारुति एस्प्रेसो जो कि 4.5 लाख की आती है। अभी 4.5 लाख में वैगनार का छोटा मॉडल बोल सकते हो, बिल्कुल वैगनार का छोटा जैसा मॉडल लगता है, हैचबैक कार है, 4 सीटर्स है और इसकी प्राइस रेंज 4.5 लाख से 6.5 लाख तक का अवेलेबल मिल जाता है। उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आती है, और अगर सीएनजी के साथ बात करो तो मैक्सिमम 32 किलो का हमें माइलेज दे देती है, और पेट्रोल की बात करो तो 25 से लेके 30 तक का माइलेज हमें देखने को दे देती है। 998 सीसी का इंजन, ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिल जाता है इसके अंदर, तुम्हें सारे बेसिक फीचर्स कवर कर देती है ये गाड़ी, जो जिसके अंदर तुम्हें मल्टीमीडिया सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल काफी ही बढ़िया है। तो हाँ, यही थी वो कुछ कार्स जो कि 5 लाख के अंदर आ जाती है एंड ये बहुत तगड़े फीचर्स के साथ भी आती है। अगर तुम लोगों को ये कार में से कोई भी, जो भी तुम्हें सबसे बढ़िया कार लगी हो, तुम कमेंट कर सकते हो, हमें अच्छा लगेगा अगर कमेंट करोगे, हमें पता लगेगा कि हमारी ऑडियंस कौन सी कार पसंद करती है, किस तरह की कार पसंद करती है। इसी तरह की वीडियोस हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं, अपकमिंग कार्स, कार के लीक्स और हमें अब कितने बजट में कितनी कार लेनी चाहिए, सब हम लोग अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर में ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।